अभी आईपीएल की दो टीमें, नई फ्रेंचाइज टीमें जो है वो ऑक्शन हुई है ओवर $1 बिलियन और 1.6 बिलियन डॉलर्स, 1.6 अरब डॉलर की दो टीमें जो है वो, यानी कि टीमों के नाम दिए गए हैं, इसमें ना प्लेयर्स हैं ना कुछ है, सिर्फ दो टीमें, दो फ्रेंचाइज दे दिए। मैं अभी भी हिंदुस्तान मीडिया में बैठा था, मैंने कह रहा था अल्लाह का वास्ता क्रिकेट बचा लो। अभी भी बुलाते हैं आपको वैसे वो, मतलब जो हरभजन के साथ हुआ इसके बाद भी? नहीं सर, मुझे बड़ा प्यार करते हैं, मुझे बड़े पैसे पे उसे भी देते हैं सर, जब पैसे कम होते हैं महीने के लिए मैं इंडिया चला जाता हूं, तो मैं कमा गया। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आगे आप और भी मतलब पूरा वीडियो देखेंगे। ये वीडियो बेसिकली आईपीएल में जो दो नई टीम है और जो आईपीएल का कनेक्शन मिलाया जा रहा है, बेसिकली आपको पता होगा अफगानिस्तान वाले मैच में और अभी से जो न्यूजीलैंड का मैच है, शोएब अख्तर ने तो ये तक बात कर दी है कि जो न्यूजीलैंड अगर अपना मैच हारती है तो फिर बहुत सारे डाउट आएंगे, मतलब अगर अफगानिस्तान जीतती है न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच होना है तो बहुत सारे डाउट आएंगे, इस तरीके की बातें पाकिस्तानी मीडिया में हो रही हैं। गाइज ये तो मैंने देखा कि वसीम अकरम, वकार और मिसबा और बहाब रियाज, ये तो काफ़ी सेंसिबल लोग मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब बहुत सेंसिबल तरीके से डिस्कस कर रहे थे कि लीग क्रिकेट और फ्रेंचाइजी क्रिकेट से क्या नुकसान है, और आपको पता है कि पाकिस्तानी बैन है तो ऑब्वियसली वो इसी तरीके का रिएक्शन देंगे। लेकिन एक सच है कि लीग क्रिकेट ही दुनिया का फ्यूचर है। मैं लास्ट में वीडियो के बाद करूंगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जो मुझे समझ में आता है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में करते हैं बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। तो वो दिए गए और ये पहली दफा है कि आप देख रहे हैं कि इक्विटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। दीज आर नॉट लाइक यू नो कि मैं खरीदना चाह रहा हूँ या वो, दीज आर लाइक स्ट्रक्चर्ड वो। और जब भी कहीं पे भी जब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनीज आ जाती हैं तो वो चाहती हैं प्रॉफिट, कोई भी लॉस मेकिंग जब कैप, बिकॉज द नेचर ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस, द इक्विटी बिजनेस इज सच कि वो चाहते हैं कि उनको प्रॉफिटेबिलिटी मिले। अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखते तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते, एंड दे आर नॉट, उन्होंने ये खरीदी है एज एन इन्वेस्टमेंट कि इस इन्वेस्टमेंट से हमारे इन्वेस्टर्स के पैसे जो हमारे थ्रू लग रहे हैं उनको रिटर्न मिले। देखो बिजनेस से शायद रिटर्न मिले ना मिले, बट विनिंग अ टीम इन आईपीएल इट मींस के विद इन 5 इयर्स दैट टीम वॉट $960 मिलियन की, इट बी $1.5 बिलियन जस्ट लाइक द अदर टीम। हाउ? बिकॉज यू बेंच योर प्राइस मार्क। लाइक इन पीएसएल का एग्जाम्पल देता हूँ, जो लास्ट टीम आपकी बिकी है वो मुल्तान सुल्तान, सो 6.3 मिलियन, ठीक है। अब बाकी टीमों की प्राइस तो वो आ गई ना, जिन्होंने टू, जैसे कराची किंग्स 2.5 या 3 मिलियन की थी, द चीपेस्ट इज कोटा ग्लैडिएटर्स $1 मिलियन। सो वो टीमें जब बिकेंगी अब, सो वो 6.3 से ऊपर ही बिकेंगी, ऊपर का बेंचमार्क होगा। सो आप ये कह रहे हैं कि कैपिटल गेन्स होंगे, आपने अगर आज $1 बिलियन की टीम खरीदी है तो उस पर कैपिटल गेन्स होंगे, विच ऑल्सो देन हैज टू रिफ्लेक्ट ऑन टू द इकोसिस्टम, बिकॉज द एंटायर इकोसिस्टम शुड बी एबल टू मेक मनी, एंड इफ द एंटायर इकोसिस्टम इज नॉट मेकिंग मनी, इट बिकम्स अ ब्रांड, राइट? बट ब्रांड इक्विटी कम्स आउट फ्रॉम अ मल्टीप्लायर ऑन द वैल्यूएशन दैट कम्स थ्रू रेवेन्यू। इफ देयर इज नो रेवेन्यू देयर विल बी वो, सो रेवेन्यू हैज टू जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट विद, एंड ओनली देन विल कैपिटल गेन्स विल कम इनटू प्ले, व्हिच देन टेक्स मी टू अनदर क्वेश्चन। लेट मी ब्रिंग दिस क्वेश्चन अप, थोड़ा सादे लफ्जों में अगर समझाएंगे इसको, मैं ये बता रहा हूँ, जब आप इतने पैसे एक जगह पे लगा रहे हैं और उसकी आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न चाहिए, और चूंकि इन्वेस्टर्स का पैसा लगा रहे हैं, चूंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं वो पैसा लगा रही हैं, तो उनको अपने इन्वेस्टर्स को जस्टिफाई करना होता है, जी हमने ये लगाए हैं हमें ये मिलेंगे, हर साल ये रिटर्न आ रही है, नेट रिटर्न इसके ऊपर ये आ रही है, विच मीन्स के फिर क्या ये चीजें, जिस तरह हम बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं कि उनकी इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है पैसों की वजह से दूसरे बोर्ड्स के ऊपर और आईसीसी के ऊपर, ये आज माइकल आर्थरटन का एक आर्टिकल है जो कि सर्कुलेट हो रहा है, हर कोई पढ़ रहा है, उसमें वो कह रहा है कि फिर ऐसा ऐसा ये जो हो रहा है बड़ी अच्छी बात है, क्रिकेटर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है, उनको पैसे मिलेंगे, मगर इंटरनेशनल कैलेंडर इफेक्ट होगा, दो नई टीमें आ गई हैं, आईपीएल को लंबा करना पड़ेगा, आईपीएल को लंबा करने के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड बोलेगा आईसीसी को कि जनाब जरा थोड़ी सी डेटें और खोले हमारे लिए ताकि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हमारे लिए अवेलेबल हो, जबकि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स अवेलेबल हो तो यानी कि आप अपनी बायलेटरल सीरीज रोकें, आप अपना चीज को रोकें, हम जरा आईपीएल कर रहे हैं, साथ साथ में फिर ये होगा कि रिटर्न के लिए कहेंगे कि यार पता है क्या करें, जरा बाउंड्री छोटी करें ताकि ज्यादा छक्के लगें, लोग ज्यादा देखें, एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन एंड सो ऑन। फखर ऑलरेडी यू नो टीमें सफ़र कर रही हैं, बायलैटरल सीरीज अब सफ़र हो रही हैं, मुझे सिर्फ ये डर है कि ये आपके जो मेजर टूर्नामेंट्स हैं आईसीसी के मेजर, तो ये ना सफ़र होना शुरू हो जाए। अब हम
किसी भी मुल्क में जाते हैं तो दो टेस्ट मैच बहुत ही होगा तो तीन टेस्ट मैच का, सिर्फ एक प्रोबेबली एशेज ऐसी है या इंडिया जब चाहती है वो पांच टेस्ट मैच खेलती है, बाकी तो कोई भी टीम ऐसी दुनिया की नहीं है जो आपस में इतना खेलती है। जब आप लोग साउथ अफ्रीका थे, जब आपकी सीरीज थी उनसे वाइट बॉल सीरीज, या तो उनके एक थ्री क्वार्टर्स प्लेयर देयर अलाउड टू गो टू आईपीएल। उसकी वजह ये है वसीम भाई के जब भी आईपीएल होती है जो भी लड़के सिलेक्ट होते हैं जिस भी बोर्ड से सिलेक्ट होते हैं बोर्ड को पे करता है आईपीएल के, आईपीएल पे इज द क्रिकेट बोर्ड, पैसे आ गए ठीक है, ये तो बात दूसरा। हाँ जी एग्जैक्टली, तो हमारी सीरीज में भी जो थे वो प्लेयर्स आ गए साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स छोड़ के, क्योंकि बोर्ड को पैसे मिल रहे थे उन्होंने प्लेयर्स को अलाउ किया, लेकिन ये बोर्ड का कसूर है नॉट द प्लेयर्स। अगर मैं एक्चुअली इसमें कसूरवार वहाब, आई थिंक यू नॉट गेटिंग इट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि कसूर नो, मैं आप रेवेन्यू की बात करें ना, आपको पता है कि स्टार जो आईपीएल का एक मैच है वो कितने करोड़ का वो होता है मैच, एक जो टीवी पे आता है। या वी नो द राइट्स, बट हियर इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, द राइट्स फॉर स्टार, फर्स्ट टाइम जब राइट्स बिके आईपीएल के सोनी ने खरीदे फॉर 10 इयर्स $1.1 बिलियन। And then after that, Star got those rights for 5 years, $2.5 billion. Star ko IPL ka ek over, $1,43,000 ka padta IPL mein. Right. One over. And they have to make money on top of that. This is just cricket rights. This is cricket rights. And I want to bring in something very interesting that the television industry, the broadcasters that practice the art of broadcasting are now saying that the IPL rights, television rights business has peaked. मीनिंग के वो अपनी पीक पे उरूज पे पहुंच चुका है, सो नाउ वी नीड टू गेट न्यू रेवेन्यू रिसोर्सेज। व्हाट डज दैट मीन? दैट बेसिकली मींस दैट देन ऑन द होराइजन आर थिंग्स दैट विल बी चेंज्ड दैट विल फर्दर इफेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो इकोसिस्टम बनता जा रहा है इंडियन प्रीमियर लीग से शुरू होता है और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ शुरू होता है, वो बैन अल-अक़वामी क्रिकेट के ऊपर अपना टॉल, जिस तरह आपने कहा कि ये बड़े तोहफे लेना अब शुरू हो जाएगा। आपको एक और चीज़ बता दूं कि पीएसएल के इस वक्त तारीखें जो है वो फंसी हुई हैं। 10 नवंबर तक ड्राफ्ट हो जाता था पीएसएल का, अभी तक हमें पीसीबी से कोई क्लैरिटी नहीं आई है। दूसरी तरफ एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड अपनी लीग शुरू करना चाहते हैं। इट्स बिट पॉलिटिकल नाउ है, इट इज, देयर यू गो, वी लेट देम, हमने उनको ये करने दिया है। I am all for international cricket to come into Pakistan. We all are. Yeah. But not at the expense of your own brand. Yeah. You see, IPL ki date change nahi hoti unless there is some covert or some elections. Humne kyun date change ki? Because agar unna end January mein shuru karna hai, mid Feb mein shuru hota tha na pehle, to sabko pata tha foreign players ko calendar hai. Ek to end Jan mein karenge, aapka big bash se conflict ho raha hai. फिर उसके दरमियान जनवरी में वो एमिरेट्स लीग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ओनर्स हमारे हमसाय मुल्क से हैं एंड वेल ऑफ पीपल। इफ दे गोना ऑफर मनी $300,000 टू से वहाब रियाज फॉर आर्गुमेंट सेक, वे वुड ही पे गो प्रेफर गोइंग देयर, गोइंग देयर, नॉट जस्ट वहाब, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरेन प्लेयर्स। सबसे जो ज्यादा मुझे डर और तकलीफ होगी ना कि अगर टेस्ट क्रिकेट सफर होगी, जो कि इस साल देखा कि सफर हुई, इंडिया ने अपना आखिरी टेस्ट में छोड़ दिया जस्ट प्योरली, आई मीन रीजंस तो 100 दिए जा सकते हैं कि जी कोविड और ये वो, बट प्योरली ऑन के जी उनका आईपीएल शुरू होने वाला था एंड दे लेट गो द टेस्ट मैच क्रिकेट, दिस इज वेयर द क्रिकेट स्टार्टेड फ्रॉम एंड वी ऑल लव दैट गेम। नाउ दे सेड दे प्रोबब्ली प्लेड अगेन और समथिंग दैट वन, आई मीन अगेन हु नोस कब खेले, इज अ डिफरेंट थिंग, बट व्हाट्स योर टेक ऑन इट। द इशू इज के आईपीएल इज द ओनली लीग जिसमें ऑक्शंस है। Yeah. And that's why it's the biggest league. अगर आप दुनिया की बाकी सारी लीग को देख लें, बिग बैश को देख लें, हमारा पी एस एल ब्रांड देख लें, एल पी एल देख लें, टी टेन देख लें, वॉट एवर लीग यू से आफ्टर आई पी एल, दे आर ड्राफ्टेड, राइट। सो वेन इट कम्स टू एन ऑक्शन, राइट, ऑक्शन में ये होता है कि यू नो यू हैव अ बेस प्राइस, और अगर 6 टीमों में से किसी को प्लेयर चाहिए और यू स्टक ऑन इट, सो द प्राइस गो हाई। Correct. That's why it makes no, so different to everyone. But and everybody wants to be a part of it. But they also have the money for that. Exactly. Particular they have the sponsorship. They have everything. And there. Hence comes the question that this needs to be regulated. How can they regulate? That's a big question, boss. Either the ICC or somebody, the authority, the body. What's Mispa's take? Mispa, what is your take? देखिए असल में जो सारी ये बात हो रही है वो यही हो रही है कि What is the priority? Obviously, पैसे important हैं players के लिए, game के लिए भी, for development of infrastructure और game को आगे चलाने के लिए भी,
बट प्रायोरिटी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल सफर हो रही है और इस टाइम प्रायोरिटी जो सारे क्रिकेट बोर्ड्स की है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की है, क्रिकेटर्स की है, सारे पैसे की तरफ है। जितना मुझे समझ में आया दोस्तों, आपको पता होगा पाकिस्तानी क्रिकेटर 2008 में जो पहला सीजन हुआ था अप्रैल मई में हुआ था आई थिंक वो सीजन, और उसके बाद पाकिस्तानी उस प्लेयर उसमें खेले थे, बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर खेले थे, मतलब जितने ऑलमोस्ट उस टाइम के करंट प्लेयर थे वो खेले थे, ये आपको याद होगा। और 2000 उसी सन में नवंबर में होता है मुंबई अटैक और उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर होते हैं बैन, आपको ये भी पता है। लेकिन गाइज और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि उसके बाद भी पाकिस्तान के कोच जैसे वसीम अकरम कुछ साल बाद केकेआर से जुड़ते हैं और वकार यूनिस सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़ते हैं, और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अज़र महमूद ने भी, अज़र महमूद आपको पता होगा पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर है, उन्होंने पंजाब के लिए कुछ सीजन खेले और पाकिस्तानी मतलब हैं, अगर उनके पास इंटरनेशनल किसी दूसरे देश की नागरिकता है तो फिर वो खेल सकते हैं या फिर कोचिंग कर सकते हैं। तो वही क्राइटेरिया से शायद वसीम अकरम और वकार, अज़र महमूद, इमरान ताहिर, इस तरीके के लोग मतलब खेल चुके हैं मतलब आईपीएल में, आपको पता होगा। तो गाइज आपको पता होगा बेसिकली पाकिस्तान में आईपीएल को लेकर क्या मतलब, यही सोचेंगे वो लोग ऑब्वियसली, क्योंकि वो आईपीएल खेल नहीं रहे, आईपीएल को लेकर उनके अंदर यही थिंकिंग होगी और वो यही सोचेंगे कि दुनिया की क्रिकेट बर्बाद हो रही है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो दुनिया में क्रिकेट अगर देखें आप तो बेसिकली ऊपर की जो चार टीम है, चार टीम और पाँचवें नंबर पर मैं पाकिस्तान को रखता हूँ। पाकिस्तान टी ट्वेंटी और ओडीआई में आपको भी पता है कोई भी टीम कभी भी कुछ भी कर सकती है, लेकिन टेस्ट मैचेस की बात अलग है। तो जो चार टीम है वही एक अलग लेवल का क्रिकेट खेल रही है, नीचे की चार टीम कुछ अलग लेवल का क्रिकेट खेल रही है, ये एक रियलिटी है। तो अगर आपको बता दूं कि अभी की जो करंट श्रीलंका है उसके साथ अगर फुल स्ट्रेंथ के साथ टीम इंडिया खेलती है, कहीं पर भी खेलती है, तो आपको भी पता होगा कि उस मैच में सबको रिजल्ट पता है क्या होना है, सीरियसली ये तो सच बात है। और यही बात होगी बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ ऐसा है कि पाकिस्तान के साथ हमारे मैच नहीं होते तो डेफिनेटली लोग देखना चाहेंगे, लेकिन वहां पर एक अलग सिनेरियो बनता है, वहां पर हम खेलना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि आपको भी पता है रीजन क्या है। इंग्लैंड और अगर इंडिया का मैच होता है तो उसकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा होती है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा होती है, भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा होती है, न्यूजीलैंड की एज़ कम्पेयर टू इन दोनों के कम होती है। साउथ अफ्रीका की हालत भी आपने देखी किस तरीके की है, वहाँ पर क्या मैटर चल रहा है बोर्ड के और खिलाड़ियों के साथ। तो गाइज एक तो ये रीज़न है, दुनिया की क्रिकेट कहीं से तबाह नहीं हो रही है, आईपीएल में अगर जो नई टीमें आ रही हैं उसमें क्रिकेटर्स तो जो इंटरनेशनल में परफॉर्म करेंगे वहीं से आएंगे, या लीग में परफॉर्म करेंगे वहीं से आएंगे, तो एक ये फैक्ट है। अब पाकिस्तान को कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई अपने तुम मैचेस बढ़ाओ इंग्लैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहाँ के टूर करो, विन वहाँ पर मैच हो तो तुम्हारी टीम की डेफिनेटली जो प्लेयर है वो दुनिया के सामने आएंगे। ये इनडायरेक्टली मतलब विदाउट एनी रीज़न आईपीएल को ब्लेम करना, और ये एक सच्चाई है, फ्रेंचाइजी क्रिकेट दुनिया का फ्यूचर है। मैं आपको सिंपल आंसर बताता हूँ, अगर एक मैच हो रहा है मान लीजिए बैंगलोर और केकेआर का होता है, बैंगलोर में दो वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं और केकेआर में दो श्रीलंका के प्लेयर हैं, वो मैच की व्यूअरशिप श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ के मैच से ज़्यादा होगी। आप समझ सकते हो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया का मार्केट ऑब्वियसली क्रिकेट का बड़ा है, तो उस मार्केट को भारत यूज़ करेगा और यूज़ करना भी चाहिए, उसका हक है। और जो श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ की व्यूअरशिप होगी ऑब्वियसली, एक तो अगर श्रीलंका में होगा मैच तो वेस्ट इंडीज़ वालों के लिए टाइमिंग अलग होगी, और वेस्ट इंडीज़ में होगा मैच तो श्रीलंका वालों के लिए टाइमिंग अलग होगी, लेकिन दोनों फैन दोनों देश के शायद मैच लोग देख भी लें लेकिन भारत के लोग सो रहे होंगे उस टाइम पे। तो आईपीएल इस तरीके से मतलब जो व्यूअरशिप है, मार्केट कैप्चरिंग है, उस मामले में आईपीएल एक अच्छा है। और आप समझ सकते हो दोस्तों, फ्रेंचाइजी क्रिकेट दुनिया का फ्यूचर है। अभी आपने वर्ल्ड कप के मैचेस देखे होंगे, अलग टीम के जो दूसरे मैचेस चल रहे होंगे आप उतना इंटरेस्ट नहीं देख रहे होंगे, लेकिन आईपीएल के आप हर मैच इंटरेस्ट से देखते हो। हालांकि कुछ लोग इंडिया के हारने के बाद आईपीएल को लेकर भी बैन आईपीएल और इस तरीके की बातें करने लगे थे। तो गाइज आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के प्लेयर तो वैसे दुनिया की सबसे ज़्यादा लीग खेलते हैं, पाकिस्तानी प्लेयर तो ऐसा लग रहा था एक टाइम पे बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो वेस्ट इंडीज़ में भी खेल रहे थे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेल रहे थे, और बीच में छोटी मोटी कैनेडा प्रीमियर लीग और बहुत सारी ऐसी लीग हुई थी उनमें भी वो खेल रहे थे, मतलब वो किसी भी लीग को छोड़ नहीं रहे थे। तो पाकिस्तान मतलब मुझे पता है कि ये बात वहाँ से होगी, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तानी आईपीएल में बैन है और पाकिस्तान मतलब इस तरीके की बात करेगा क्योंकि आईपीएल से प्रॉब्लम तो होगी। गाइज आपको क्या लगता है, प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताएं।